उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के आमला फोर्ट ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहां पर बाहर से आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके, उसी को लेकर एक बगीचा बनाने के निर्देश उज्जैन जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए थे। सर्व सुविधा युक्त राज्य सरकार की राशि खर्च करके अब यहाँ पर बगीचे का निर्माण किया जा रहा है, जो समय सीमा में पूर्ण हो जाएगा। इस बगीचे का मुख्य उद्देश्य है कि बाहर से आने वाले पर्यटक परिवार के साथ इस बगीचे का आनंद उठा सकें, स्थानीय ग्रामीण जन भी बगीचे का लाभ ले सकें, उसी को लेकर अब बगीचे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। की क्या मंशा थी कि जो है इस प्रकार से काम किए जाए और कब तक यह पूर्ण होगा और किस प्रकार से कलेक्टर साहब और SDM के निर्देश रहे और क्या रहा? इसमें हमारे ग्राम पंचायत में कलेक्टर साहब की ग्राम चौपाल थी, उसमें SDM साहब की प्राथमिकता ये थी कि अमला एक अच्छा बड़ा गांव है, हेरिटेज विलेज है, फोर्ट है, विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो नक्षत्र वाटिका का उन्होंने प्रस्ताव रखा था जिसकी स्वीकृति कलेक्टर साहब ने दी और उसका लगभग पूर्ण काम होने को है। और उसमें ये है कि व्यायाम के लिए है, सुबह घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक, तो विदेशी पर्यटक आए तो वो घूमें, गाँव वाले घूमें, इसका मेन मकसद ये है। कब तक यह कंप्लीट हो सकती है और किस प्रकार से क्या रहेगा? मार्च एंडिंग के पहले पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।